माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड पर एआई एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। उन्होंने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार कानून के मुताबिक नहीं बल्कि बंदूक के दम पर चल रही है। ओवैसी ने कहा कि इससे लोगों में संविधान में विश्वास कम होगा और इस घटना की निंदा करने के लिए शब्द नहीं है। और क्या कुछ कहा सुनिए। हम यह डिमांड करते हैं कि ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। देखो, आपने ये कहा ना, ये कोई जबान है एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो बीजेपी के लोग उनको नरेंद्र मोदी के बाद या उनसे पहले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, चाहे 2024 में बना देंगे या 29 में, नहीं मालूम, या प्रोजेक्ट कर देंगे। ये जबान है, एक मुख्यमंत्री की जबान होती है क्या, बताइए आप सर। नहीं, एक मिनट सुनिए, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। हम डिमांड ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। दूसरा, में डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाए, मोटो सुप्रीम कोर्ट ले। हम प्लीट करते सुप्रीम कोर्ट से, ये उसी वक्त रुकेगा जब नहीं रुकेगा, वरना ये चलता रहेगा तो 4 दिन 5 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगा। और वो इन्वेस्टिगेशन टीम में सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें लोग होंगे। कहां से इनको हथियार आया, किसने कहा उनको वहां पर जाओ, किसने उनको इस तरह की बातें कही, ये सब चीजें निकलनी चाहिए, टाइम बाउंड। और दूसरी चीज, संविधान में आर्टिकल 311 है और आर्टिकल 311 के तहत उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को निकालना चाहिए नौकरी से, सस्पेंशन नहीं बल्कि अंडर आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 311 के तहत उनको सर्विस से निकालना चाहिए जब इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आ जाएगी टाइम बाउंड मैनर में। सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक्स मुस्लिम एक्स एमपी गए थे।